हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। डाउट आया है इतने इजी क्वेश्चन में, तो चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। एक बार हिंदी में देखते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर, कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। कि हमें जो ये दी हुई है, ठीक है, समीकरण दी हुई है, हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं एक बार क्या गिवन है, कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो हमें इक्वेशन दी है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताना है, बताएं। हाँ चलिए, ठीक है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों अपनी क्या होती है, क्या होती है, जो अपनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो, और जिसमें क्या हो, ए जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यहां पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, चेक करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कि देखिए हमें क्या दिया, x माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना, ये एक तरह से अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दोस्तों अपना क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के टू ए बी, ठीक है, या फिर ए प्लस बी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला दोस्तों अपना, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के दो ए बी। ठीक है दोस्तों, इनमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों अपना एक और, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो वो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले दोस्तों ये मोस्टली जो है अपने इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूलों को राइट कर लीजिए, लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी क्वेश्चन फॉर्मूले आ जाते हैं अपने ये, ठीक है, फिर भी कुछ महानुभव होते हैं जिनको याद नहीं आते, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मिटा दें, रफ कर दूं, कन्फर्म है, चलो कर देते हैं। ठीक है, देखिए फिर दोस्तों, ये क्या है अपना एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है जी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह है, और ये क्या होता है, साथ में बोलो जय माता दी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के दो ए बी, ये होता है ना। अब इसमें ए क्या है, एक्स माइनस है, बी क्या है, दो का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बाद में प्लस का साइन है, बी कितना है, दो का स्क्वायर कितना, फोर, माइनस के दो मल्टीप्लाई ए कितना है, एक्स गुणा में दो, यानी कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू टू जा फोर एक्स। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, हाँ फिर बोलते क्यों नहीं। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस के फोर एक्स लिख दिया, प्लस के वन, ठीक है, और क्या, और सब अच्छा है जी, आप बताओ। ठीक है, इक्वल टू टू एक्स माइनस के थ्री लिख दिया। ठीक है, दिखा रहने दो, ये सो दिखा रहने देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी ये होती है ना, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, तो लेकर आते हैं जी, देखिए क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन, प्लस का टू एक्स है इस साइड आकर, माइनस में माइनस का इधर आकर, प्लस में इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पे अपना दोस्तों क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले कोई है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब और देखते हैं क्या कॉन्स्टेंट वाला है जी, प्लस का फोर, तो कॉन्स्टेंट वाली कुछ और है, हाँ जी बिल्कुल है जी, ये रही और ये रही, जिनके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस का है यही, प्लस का और यही प्लस का है, फोर प्लस वन फाइव हो गई, फाइव प्लस थ्री कितने हो गए ठाकुर, एट हो गए। ठीक है, अब और क्या बचा, एक्स वाले बच गए, माइनस के फोर एक्स और माइनस के टू एक्स है, माइनस माइनस प्लस है ना, तो निशान आया माइनस का, फोर प्लस टू सिक्स, साथ में आ गया एक्स, और कुछ नहीं बचा, इक्वल टू जीरो। इसको इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला ये रहा, ठीक है, बाद में सिंपल एक्स वाला ये रहा जी, लिख दिया प्लस के एट और इज इक्वल टू
जीरो। इसी तरह से हमें क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों बनानी थी। ठीक है, यह होता अपना ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अगर आपको डाउट रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करने की इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डाउट पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए टाटा।